यूपी रोडवेज की एक बस यमुना एक्सप्रेसवे पर एक नाले में गिर गई, जिसमें 29 लोगों की जान चली गई। इस नाले से निकाले जा रहे ये लोग जिस सफर पर निकले थे वो इस तरह दर्दनाक तरीके से खत्म होगा कि शायद ही किसी ने सोचा होगा। यूपी रोडवेज की ये डबल डेकर जनरत बस अवध डिपो की थी। इसमें कई लोग किसी काम से दिल्ली आ रहे होंगे, कुछ लोग अपनों के पास दिल्ली लौट रहे होंगे। इस बस में सफर कर रहे लोगों ने रात को सोने से पहले दिल्ली और लखनऊ में अपने सगे संबंधियों को फोन भी कर दिया होगा कि सुबह दिल्ली पहुंचते ही वो खबर कर देंगे कि वो पहुंच चुके हैं। बेशक उनके घर वालों को फोन भी आया होगा, लेकिन उस फोन कॉल में उनकी आवाज नहीं रही होगी। उसमें आई होगी तो वो मनहूस खबर जिसे कोई सुनना नहीं चाहता होगा। एक बहुत दुखद घटना एतमारपुर तहसील आगरा में हुआ है। जो गाड़ी अवध एक्सप्रेस अवध डिपो का गाड़ी है वो लखनऊ से निकल करके आनंद विहार दिल्ली में जा रहे थे। उस समय करीब 4:30 बजे सुबह ड्राइवर को मुझे लगता है नींद आ गया होगा और गाड़ी स्पीड में भी रहा है, इस वजह से वो जो हमारा बैरियर है उसको तोड़ करके नीचे गिर चुका है और वो जर्रा नाला में गिरा है। उस वजह से टोटल 29 डेथ अभी तक हमारे संज्ञान में आए हुए हैं। हम लोग अभी भी सर्च में हैं कि क्योंकि नाले में पानी की वजह से कोई अंदर कोई और तो बॉडी नहीं है, उसके बारे में चेकिंग किया जा रहा है। उसमें एक 15-16 साल की लड़की है और एक छोटी बच्ची थी और 27 जो यंग लोग हैं तो उनका डेथ हुई है और करीब 18 लोगों को अभी तक हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में भेजा गया है। हॉस्पिटल्स में भी क्योंकि जल्दी में हमने भेजा था कि अभी चेकिंग किया जा रहा है, उसमें कोई छूट तो नहीं गया है। आधी रात बीत चुकी थी, बस में लगभग सभी यात्री सो रहे होंगे। अमूमन इस वक्त पूरी बस में सिर्फ ड्राइवर ही जाग रहा होता है, लेकिन नींद में सो रहे यात्रियों को कहां मालूम था कि काली अंधेरी मनहूस रात में यमुना एक्सप्रेसवे पर सरपट दौड़ती बस उन्हें उनके घर नहीं कहीं और लेकर जा रही है। आधी रात के बाद लगभग 4:30 बजे का वक्त रहा होगा जब ड्राइवर को एक झपकी आ गई। उसकी आंख कुछ देर के लिए ही बंद हुई होगी और उस काली रात में आई उस एक झपकी से ओवर स्पीड बस बैरियर तोड़ते हुए जर्रा नाले में जा गिरी। ड्राइवर की उस एक झपकी ने 29 घरों में अंधेरा कर दिया। हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यात्रियों की मौत पर दुख जताया और संवेदना व्यक्त की है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को घायलों को हर संभव चिकित्सा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। यूपी रोडवेज ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।